हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनकी व्याख्या और उन्हें देख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग तो याद रखिए, अभी एक सेट हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं और वो आपका मिल जाएगा, आपको जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है। तो चलिए हम लोग दूसरा टेस्ट लगाते हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। कथन दूसरा है इसमें, उद्देशिका विधायिका की मनमानी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इसमें पूछ रहा है क्या, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिए, सही नहीं है पूछ रहा है। हमेशा आप लोग इस कथन को पढ़ लीजिए, करिएगा, क्योंकि कई बार इसी के कारण कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। इसमें पूछ रहा है, ये उपयुक्त तीन कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है और दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है आपका। तो इसमें होगा एक और दो, इसमें क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, एक और दो कथन सही नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम बता दें आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकलित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, निर्वाचन निर्वाचक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन नए शब्द इसमें जोड़े गए, कौन कौन से? ये तीन शब्द कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? पहला आपका था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा था अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, LIC मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। संविधान की प्रस्तावना के चार महत्वपूर्ण घटक हैं। संविधान की आधिकारिकता की, पहला है संविधान की अधिकारिता के स्रोत। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान की अधिकारिता भारत के लोगों में निहित है। दूसरा है भारतीय राज्यों की प्रकृति, यस भारत को एक संप्रभु समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र राज्य होने की उद्घोषणा करते हैं। संविधान का उद्देश्य की बात करें तो यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा को इसके उद्देश्यों के रूप में व्यक्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए विचार के अनुसार प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। संविधान की मूल संरचना में बिना कोई बदलाव किए इसके अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में दो बातें आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना ना तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध। इसके प्रावधान विधि द्वारा स्थापित न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा हमारा अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर इनमें सही उत्तर चुनना है हमें। तो कौन कौन देता है? सामाजिक देता है और आर्थिक भी मिलता है और सामाजिक। तो इसमें एक तीन चार कथन सही होगा। कौन सा? 1 3 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसके बारे में याद रखिएगा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि याद रखना आपको, संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। कब? 1950 को। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में अभिव्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख मतलब 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय शब्द मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से 3 अलग-अलग रूपों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को समाविष्ट करते हैं। सामाजिक न्याय जाति, रंग, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को निर्दिष्ट करता है। आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को दर्शाता है। इसमें धन, आय, संपत्ति में स्पष्ट असमानताओं को समाप्त करना शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का एक संयोजन जो वितरित न्याय के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक न्याय की तात्पर्य सभी नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार हों, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच हो पहुँचें और सरकार में समान अभिव्यक्ति प्राप्त करें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? वंश के आधार पर, प्राकृतिक रूप, जन्म और पंजीकरण। निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें चारों हैं। इसमें आपका होगा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही होगा, चारों सत्य हैं। ठीक है, क्या है? चारों सत्य हैं, तो आपको याद रखना है इसमें चारों सत्य हैं। इसके बारे में आप लोगों को बता दें, नागरिकता अधिनियम आपका 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकों के नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में प्रावधान करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी प्रावधान करता है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और राज क्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता। इनके बारे में हम बता दें तो जन्म से नागरिकता, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ तो जन्म से वो भारत का नागरिक होगा, किंतु इस नियम के 2 अपवाद हैं। प्रथम, विदेश के राजनीतिक कर्मचारी के भारत में जन्म लेने वाले बच्चे, और द्वितीय, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे। फिर आपका वंश के आधार पर, वंशानुगत नागरिकता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 अथवा उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उस समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक, नागरिकों के बच्चे और उन लोगों के बच्चे जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, बेस उपबंध का लाभ उठा सकते हैं और पंजीकरण द्वारा वंशानुगत भारतीय नागरिक बन सकते हैं। दूसरा है पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण के बारे में बात करें तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता संविधान में उल्लेखित उपबंधों के आधार पर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, पंजीकरण द्वारा वह भारत का नागरिक बनने योग्य है। उन व्यक्तियों की श्रेणी भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अभिजात भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रहते हों, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो साधारणतः भारत में रहते हैं, विशेष रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से कम 6 महीने पूर्व भारत में रह रहे हैं, वे स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ विवाह किए
भारतीय नागरिकों के बच्चे। फिर है आपका देसीकरण। देसीकरण के बारे में याद रखना है कि कुछ दशाओं में उपयुक्त किसी भी तरीके से शामिल नहीं किए गए विदेशी नागरिक भारत सरकार के देसीकरण द्वारा नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता, यदि कोई अन्य राज्य क्षेत्र भारत का बन जाता है तो भारत सरकार का यह भी निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए तो भारत सरकार भी निर्दिष्ट करेगी कि पाकिस्तान के सभी नागरिक भारत के नागरिकता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं। भारत में निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, तीसरा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आपका होगा भारत में निर्वाचन में मताधिकार, सही है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, और ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, उच्चतर या पेशेवर शिक्षा को नहीं। ठीक है, इसकी व्याख्या इसके इसमें एक और दो कथन यानी कि सही है। इसमें आपका बी होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक और दो कथन सही है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कुछ। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने स्वयं का मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाया है वे वोट देने के पात्र हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राज्य, जिले और साथ ही स्थानीय सरकारी के निकाय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को जब तक वोट डालने से ना तो रोका जा या प्रतिबंधित किया जा सकता है जब तक कि वह आयोग ठहराए जाने के मानदंडों को पूरा ना करें। प्रत्येक मतदाता को एक चुनाव में केवल एक वोट ही डालने की अनुमति होती है। एक मतदाता केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट कर सकता है जहां उसने खुद को पंजीकृत कराया हो। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, भारत उसकी आयु 35 वर्ष ना हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव योग्य ना हो। संविधान के अनुच्छेद 21 और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण केवल नागरिकों के लिए अनन्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उस तरीके से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य निर्धारित करे। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा के को एक मौलिक अधिकार बनाता है, उच्चतर या पेशेवर शिक्षा को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये दिए गए हैं, कथन है आपका, संघ विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। दूसरा कथन है, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। तो इसमें देखना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग एक संघ और इसके क्षेत्र के रूप में वर्णित है। इसके अनुच्छेद एक से चार शामिल है। इसमें भाग एक में भारत के संविधान से संबंधित कानून का एक संकलन है जिसमें कहा गया है कि भारत राज्य का संघ है। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय, सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कानून शामिल है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के बारे में उल्लेख करता है।
किसी राज्य में किस उसके राज्य क्षेत्र अलग करने या दो या राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का संसद, ठीक है, संसद कर सकती है ये काम। किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्य में से किसी क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट किए जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं है, ठीक है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने या दो राज्यों को मिलाकर एक बनाने तो वहाँ की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा विधेयक आता है। ठीक है, और याद रखिए राष्ट्रपति उस विधानमंडल को उस क्षेत्र की इस पर सुझाव देने के लिए कहती है, लेकिन अनिवार्य नहीं होता है कि राष्ट्रपति उस सुझाव को माने। ठीक है, अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आप छठवा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पकड़िए इसे, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के पास अपने अपने उच्च न्यायालय हैं और फिर दूसरा है दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर किसी अन्य राज्य क्षेत्रों के पास अपने विधानमंडल नहीं है। फिर है तीसरा कथन, इनके कार्यालय कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीनों गलत हैं आपके, ठीक है, तीनों कथन आपके गलत हैं। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, तीनों गलत हैं। अब सही क्या है इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय संघ क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान में बात करें तो 29 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं आपके। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, और याद रखना है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 1956 में, दिल्ली को 1956 और लक्षद्वीप को 1956, दादर एवं नगर हवेली को 1961, दमन द्वीप को 1962, पुडुचेरी को 1962, चंडीगढ़ को 1966 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखना, आपको उच्च न्यायालय वाला एकमात्र राज्य कौन सा, दिल्ली। ठीक है, और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति की प्रतिनिधित्व होता है तथा राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति एक राज्य के गवर्नर को आसपास के केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। उसे शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को मंत्रियों की परिषद के प्रति स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ता है। संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली में के लिए विधानसभा है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक परिषद का प्रावधान है। शेष
जो भी आपके, याद रखना ये 2019 के पहले था, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएं थी, यहाँ मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा, लद्दाख में नहीं होगा, ठीक है? तो अब तीन हो गए जिनमें विधानसभाएं हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सात है, राष्ट्रीय करियर सेवाएं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो यह एक राष्ट्रीय ICT आधारित पोर्टल है जो अवसरों को युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। दूसरा, यह परिवारों तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध ड्राइविंग, नलसाजी, बढ़ईगिरी और जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके दोनों कथन सही है, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है? दोनों कथन सही है। इसके बारे में याद रखिए आप लोग, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना एक राष्ट्रीय ICT अर्थात पोर्टल है जिसे मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को अवसर से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे रोजगार परामर्श, व्यवसायिक परामर्श और कौशल विकास एवं प्रशिक्षुता जैसे पाठ्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है? पोर्टल एक अत्यधिक पारदर्शी उपयोगकर्ता को अनुकूल तरीके से रोजगार मैचिंग सेवाएं प्रदान करता है, ठीक? क्वेश्चन नंबर आपका आठ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह योजना 1991-92 से खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना के अंदर किसी खिलाड़ी को 4 साल तक शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 7.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार दी जाती है। आपकी दोनों कथन सही हैं, ठीक है? तो इसमें होगा आपका सी, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है? याद रखना है यही योजना 1991-92 में राजीव गांधी जी के सम्मान में इसकी स्थापना हुई है। याद रखना है ये खिलाड़ियों को उनकी सामान्य स्थिति बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मान देने और सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। वर्ष के ठीक पहले 4 साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नौ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा कोर NYC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा अधिकतम 2 वर्ष तक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सेवा के लिए स्वयं सेवक के रूप में संलग्न होते हैं। दूसरा, ऐसे 2010-11 में शुरू किया और NYKS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका केवल दो सही है, ठीक? केवल दो कथन सही है। राष्ट्रीय युवा कोर NYC युवाओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को नियोजित करने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह तैयार करना जिनकी राष्ट्र निर्माण के कार्य में रुचि और भावना हो, समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए कार्य करना, समुदाय में सूचना बुनियादी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संकेतक के रूप में कार्य करना, ग्रुप मॉड्यूलेटर्स और पीयर ग्रुप शिक्षकों के रूप में कार्य करना, विशेष श्रम के सार्वजनिक नैतिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए युवा हेतु आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करना। इसकी पात्रता की बात करें तो इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु समूह के युवा और महिलाएं स्वयं सेवक बनने के लिए पात्र होंगे। NYC स्वयं सेवक के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम अर्हता 10वीं पास अनिवार्य है, ठीक है? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर अगला है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी शहरवासियों के लिए संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह पूर्व इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी हुई। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तीसरा है लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखना है आपको, इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो 1 और 2 आपका सही नहीं है, ठीक है, तीसरा आपका सही है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, इसमें 1 कथन और 2 कथन सही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताएं तो वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूर्ववर्ती है, शहरी की नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसके सभी घटकों के साथ ये हुई 17 जून 2015 से प्रभावी हो गई। यह अभियान मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के लिए है। इसमें विभिन्न तबकों के शहरी गरीबों के लिए सरकार की पहलें शामिल हैं। इसमें आपका झुग्गी पुनर्वास, भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता से झुग्गी को पुनः विकसित करना, कमजोर वर्गों के लिए मूल वहन योग्य आवासों को बढ़ावा देना, फिर लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास निर्माण, फिर लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण और उसके प्रोत्साहन के हेतु अनुदान सहायता देना, शहरी क्षेत्र हेतु सभी के लिए आवास मिशन 2015 से 2022 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी योग्य परिवारों लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कल्याणमान एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा जो कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के घटक को छोड़कर केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वाले समूह, मध्यम आय वाले समूह, वार्षिक आय कैप EWS के लिए 3 लाख रुपये, LIG के लिए 3 से 6 लाख रुपये और MIG के लिए 6 से 8 लाख रुपये है। लाभार्थियों की EWS शहरी मिशन के सभी 4 वर्गों में सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि LIG और SIG श्रेणियां मिशन के क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम घटक के तहत पात्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला कथन है इसमें, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक द्वि मंत्रालयीय प्रयास है। दूसरा है, इसकी शुरुआत 2015 में घटते लिंगानुपात तथा महिलाओं से संबंधित अन्य समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। तो आपका इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा कथन सही है यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका, दूसरा कथन इसमें सही है, ठीक है, केवल 2। चूंकि बालिका के अस्तित्व संरक्षण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समेकित और सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता के लिए, इसलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की घोषणा की है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सम्मिलित प्रयास है। यही योजना हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नाविक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह जीपीएस का भारतीय संस्करण है। दूसरा कथन है, इसमें 15 उपग्रहों का एक समूह है।
तीसरा, ऐसे इसरो द्वारा फ्रांस के सहयोग से तैयार किया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल एक कथन सही है इनमें। कौन सा? केवल एक कथन सही है, ठीक है, केवल एक कथन सही है। इसके बारे में आप लोगों को बता दें, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित विकसित की गई है, और यह एक क्षेत्रीय स्वायत्त स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसका परिचालन नाविक नाविक के नाम से है, ये जिसका परिचालन नाम है नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, और यह भारत के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र की सीमा से 1500 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र के लिए सटीक स्थिति की सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। IRNS से दो तरह की सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें एक मानव पोजिशनिंग सेवा जो कि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, तथा प्रतिबंधित सेवा या समिति सेवा जो फूट सेवाओं होंगी, केवल अधिकृत उपभोक्ताओं को ही मुहैया होगी ये सुविधा, ठीक है। अंतरिक्ष में INS द्वारा IRNS समूह के 7 उपग्रह शामिल हैं, 3 उपग्रह भूस्थित स्थितिक कक्षा में उपयुक्त कक्षीय स्थान में स्थित हैं, और शेष 4 हैं 2 अलग अलग तलों में आवश्यक झुकाव भूमध्य रेखाओं के साथ भूतुल्यकालिक कक्षाओं में स्थित हैं। समूह के सभी उपग्रह समान रूप से व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, कौन सा 13वां क्वेश्चन है आपका, जल संसाधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे राष्ट्रीय सूचना सूचना केंद्र तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दूसरा, यह उपयोगकर्ताओं को एकल वेबसाइट के माध्यम से जल संसाधन संबंधी डाटा को खोजने, एक्सेस करने, दृष्टिगोचर बनाने, समझने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है केवल दो कथन सही है। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जिसे भारत के नाम से भारत WRIS के नाम से जाना जाता है, इस परियोजना जिसे 3 दिसंबर 2008 को केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलोर के बीच हस्ताक्षरित किए गए समझौते ज्ञापन के माध्यम से शुरू किया। परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह मानकीकृत राष्ट्रीय GIS ढांचे में सभी जल संसाधन डेटा और सूचना के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आकलन, निगरानी, योजना विकास और अंततः एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से प्रासंगिक जल संसाधन डेटा खोजने, एक्सेस करने, देखने, समझने और विश्लेषण करने की सुविधा देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है अपना, बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी प्रभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सी कथन सही है देखना है इसमें। तो इसमें पहला कथन है आपका, मंत्रालयों और विभागों और उनके केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 150 करोड़ से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचे पर ढांचा परियोजना इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरा है, यह देश का प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन में निगरानी करता है। तो इसमें आपका होगा, दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। क्या है? दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, अगला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका,
किरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस योजना की प्राथमिक लाभार्थी महिलाएं या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गई योजना है? तो आपके दोनों कथन सही है, यानी कि आपका होगा 15 का सी। 15 का क्या होगा? सी। याद रखना, किरण जो योजना है आपकी 2014 में शुरू की गई थी विज्ञानिकों, महिला विज्ञानिकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलें शामिल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है, तो याद रखना ए ऑप्शन केवल एक सही है इसमें, तो आपका इसमें होगा ए ऑप्शन। ठीक है, केवल एक सही है। इसके बारे में आप लोगों को बता दें, याद रखना ए ऑप्शन सही है। एक, कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 से CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। CACP की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। PMFBY फसल की विफलता के विरुद्ध एक व्यापक बीमा कवर कर प्रदान करती है, जिसमें किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। इस योजना के में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें जिनकी पिछली पिछले उपज का डाटा उपलब्ध है और जिन पर एक निश्चित संख्या में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सामान्य फसल अनुदान सर्वेक्षण के तहत किए जाते हैं। योजना आमतौर पर सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा लागू की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस योजना को कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका है। अब 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रसाद योजना के अंतर्गत पहचान किए गए तीर्थ स्थल गंतव्यों के विकास और सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा है, स्वदेश दर्शन योजना के देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए। तीसरा है, अतुल्य भारत 2.0 अभियान का उद्देश्य देश में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके तीनों कथन इसमें सही है, तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। 17 का डी होगा। ठीक है, 17 का होगा डी, यानी कि तीनों आपके सही होंगे। प्रसाद ऐतिहासिक स्थानों और विरासत शहरों समेत देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और अध्यात्मिक और नैन अभियान योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और ये पर्यटन मंत्रालय ने 2.0 अभियान शुरू किया था। ठीक है, 2017-18 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है। इस योजना के तहत जारी किए गया फंड गैर विगत होता है, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक ही सीमित है, ये भी सही है। इसके तहत फंड प्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी को अनुदान सहायता के रूप में जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है। और फिर डी है आपका, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देश में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं, ये गलत है। आपका 18 में डी गलत है। ठीक है, क्या है?
18 में आपका डी गलत है। निर्वाचित लोकसभा सदस्य अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य में कहीं भी काम की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, कहीं भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देश में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। जहां से भी चुने हैं लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वयन के लिए कार्य की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, डी ऑप्शन है 18 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेवी फोर कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के साथ निम्नलिखित में से किस देश का समझौता है, तो ये याद रखना है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, चारों के साथ है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, यानी कि आपका 19 का डी होगा, चारों सही हैं, ठीक है, चारों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, हाल ही में मिशन रफ्तार समाचारों में था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह मालगाड़ी यात्रा तथा यात्री रेल दोनों में रेल की औसत चाल में वृद्धि करने हेतु भारतीय रेल का अभियान है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, 20 का क्या है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विलीज रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह है आकार में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बाद दूसरे स्थान पर है, यह है ग्वाटेमाला तक विस्तृत मेक्सिको के युकाटन पठार के सिरे पर स्थित है, तीसरा यह संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल की सूची का हिस्सा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो एक कथन और दो कथन सही है, तीसरा इसमें गलत है, तीसरा इसमें गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें याद रखना आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, एक और दो कथन सही। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही समाचारों में रहे ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए को IUCN द्वारा वन में विलुप्त घोषित किया गया था, इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र की ताजे पानी की झीलों में देखा गया, तीसरा है सॉफ्ट सेल कछुओं के परीक्षण और पहचान के लिए एनवायरमेंटल DNA तकनीक का उपयोग किया जाता है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 22 में आपका होगा एक और तीन, एक और तीन कथन सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्या है, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 23, हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह यूरोपीय देश का एक संघीय बैंक है जिसका उद्देश्य हरित विकास है, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक सॉफ्ट बैंक के विजन फंड का एकल सबसे बड़ा निवेश करता है, तीसरा है इसने भारतीय सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज तथा ताइवान के को फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो 23 में आपका एक और दो सही नहीं है, यानी कि 23 का आपका बी होगा, 23 का क्या होगा, बी, कथन एक और कथन दो सही नहीं है। इसमें बता देते हैं, जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 60 से 100 बिलियन डॉलर सतत निवेश करने का निर्णय लिया है, यह अपेक्षा की जा रही कि कंपनी सऊदी अरब द्वारा समर्थित एक कोष के माध्यम से यहां निवेश करेगी, सऊदी अरब सॉफ्ट बैंक के विजन फंड का सबसे बड़ा निवेश करता है, 2015 में सॉफ्ट बैंक ने 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से भारतीय सौर परियोजना में भारत की भा
भारतीय इंटरप्राइजेज तथा ताइवान के फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक बड़े भागीदार के रूप में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करने का निर्णय लिया था। भारत ने न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का के तहत 2022 तक 100 गीगावाइट की चालू सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सॉफ्ट बैंक के विजन फंड को और सौर ऊर्जा का अनुभव है, क्योंकि उसने सऊदी अरब में इसी तरह प्रकार की विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में निवेश किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, अरीवाड़ा विश्व में कछुए की कुछ विशिष्ट प्रजातियों द्वारा विशेष प्रकार के घोंसले बनाने की परिकल्पना है। निम्नलिखित में से कौन से कछुआ इस परिघटना को प्रदर्शित करते हैं? ओलिप रेडले, सही बात है, ये करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, कैंप रेडले, ये भी करते हैं, लेदर बैक ये नहीं करते हैं। तो आपका इसमें होगा 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 24 का बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो याद रखना है, ए ऑप्शन सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में एक भारतीय एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद के माध्यम से राजीव गांधी राष्ट्रीय केच योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशिक्षण विभाग गृह कल्याण केंद्र के अंतर्गत और डाक विभाग अपनी योजना के माध्यम से क्रेच चला रहा है। इसका उद्देश्य समुदाय की काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को दिन की देखभाल सुविधाएं प्रदान करना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों के भौतिक संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना, परिजनों देखभाल करने वालों को बेहतर बाल देखभाल हेतु शिक्षित और सशक्त बनाना। तो चलिए, ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 टॉप क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम लोग अगली टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखिए, टेलीग्राम में डाल देंगे ये टेस्ट। ठीक है।